हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में तो अभी मॉर्निंग में साढ़े छः बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ चाय और भजन वग़ैरह चालू हो गया है क्योंकि गांव में मतलब मम्मी पापा सुबह सुबह भजन जरूर चलाते हैं तो मम्मी पापा भजन सुन रहे हैं मैं जल्दी से चाय बना के उनको दे दूंगी तो अभी थोड़ा नया मतलब सारी चीज़ें नई नई लग रही क्योंकि किचन भी थोड़ा डिफरेंट है तो इतनी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है थोड़ा धीरे धीरे आदत लग जाएगी और ये दोनों अभी सो के उठे बाहर देखिए कैसा कोहरा लगा हुआ है और मम्मी पापा यहाँ चाय पी रहे हैं बरामदे में पापा तो टहल के भी आ गए हैं बहुत जल्दी उठ जाते हैं पापा जी मम्मी भी उठ जाती हैं तो देखिए बाहर कितना कोहरा लगा हुआ है लग रहा है बिल्कुल ही ठंडी ठंडी हवाएं मतलब अच्छा लग रहा है गांव में आकर अब ये भी जा रहे हैं टहलने के लिए इन्होंने भी शूज़ वगैरह पहन लिए हैं मैं कपड़े तह लगा ले रही हूँ गांव का इन्वायरमेंट इतना अच्छा लगता है मतलब शहर से बिल्कुल अलग और काफ़ी मतलब कम दिल खुश रहता है तो कल मैंने धो लिए थे सारे कपड़े तो वो कपड़े तह लगा लिए हैं बिस्तर अब साफ़ कर लूँगी इसके बाद मम्मी आज बोल रही थी कि चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो वही अब तैयारी हो रही है चूल्हे पे खाना बनाने की तो अब मम्मी चूल्हे में चूल्हा जलाएंगी और ये देखिए मम्मी ने चूल्हा जला लिया है और नाश्ते के लिए शाम के नाश्ते के लिए पापा के लिए मूँगफली भून रही है तो बैंगन रखे हुए थे मेरे हस्बैंड को बैंगन का भरता बहुत पसंद है तो चूल्हे में पकाए हुए बैंगन काफ़ी टेस्टी बनते हैं तो बस मैंने मम्मी को बैंगन काट के दे दिया कि चूल्हे में मम्मी अब इसे पका देगी तो इसे खोल के एक बार देख लेना चाहिए क्योंकि कीड़े वगैरह भी रहते हैं तो इसे एक बार चेक कर ले और इसमें छेद इसीलिए किया जाता है इसे चाकू से इसीलिए काटा जाता है कि चूल्हे में ये फट ना जाए क्योंकि अंदर बीज होते हैं तो ये पकने के बाद फटने लग जाता है तो इसीलिए इसमें चाकू से छेद कर दिया जाता है तो आज मैं बनाने वाली हूँ बड़ी बड़ी मतलब कड़ी पकोड़े तो गांव में मम्मी काफ़ी टाइम हो गया था बनाए हुए मेरे हाथ के खाए हुए तो सोचा कि क्यों ना चलो आज बड़ी पकोड़ा बनाया जाए तो इसे मैंने चल्ली से चाल लिया है छानने के बाद अब इसमें थोड़ा लिमिट से ही पानी डाला जाता है तो धीरे धीरे अब इसे मैं सानूँगी और इसको तब तक घोला जाता है जब तक ये पानी में मतलब बॉडी इसका जो बनेगा वो ऊपर पानी में तैरने ना लग जाए तो इसे अच्छे से फेंटना होता है और तो पंद्रह बीस मिनट तो इसे फेंटने में ही लग जाता है तो इसे प्रॉपर तरीके से हम फेंट लेंगे आज मम्मी ने बहुत मेहनत करके वो पकौड़े की तैयारी कर लिया देखना अगर बॉडी ऊपर आ गया तो बोरी तैयार हो गई होगी अगर नहीं आई तो नहीं हुई होगी तो बोरी तैयार हो गई है और लो मेरे बड़े पापा भी आ गए दूध लेके और अभी मेरी दादी बैगन को भी पका रही है और क्या बोलते हैं वाली को भी, ओ, क्या बोलते भूज रही है क्या <laughs> और मेरे पापा मोबाइल अच्छा देख रहे हैं। मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैं वीडियो बनाने लग गई। और आज हम जाएंगे बोरा लेके मूली काटने खेत में और मैं मैं किचन में, में, में बैठ के वीडियो सा रही हूँ और आज भी सीख रही बहुत ठंडी है यहाँ पर एक बार मैं आप लोगों को पूरे बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ मैं बाहर निकल रही हूँ बहुत है ठंडियाँ पहन लिया है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पूरे आसमान में बहुत धुंध है और यहाँ पर सब लोग कहें लुका लुका के जा रहे हो तो अब हम चूल्हे पे चढ़ा चुके हैं कढ़ाई डाल दिया है तेल तो अच्छे से बे, बे, बेसन को एक बार फिर मैं मिला लूंगी प्रॉपर तरीके से और फिर से एक बार मैं पानी में डाल के चेक करूँगी कि है ना बॉडी फूल रहा है कि नहीं तो देखिए पानी के ऊपर तैरने लग गया इसका मतलब मेरी बॉडी सक्सेसफुल रहेगी मतलब बहुत ही पंची जैसे रसगुल्ला होता है ना तो वैसा ही बिल्कुल फूल के मोटी मोटी हो जाएगी काफ़ी अच्छी खाने में स्वाद आता है इसमें तो अब एक एक करके मैं बड़ी कढ़ाई में डालूँगी और देखने में कितना प्यारा लग रहा है तो जल्दी से इसको मैं तो देखिए सारे पकोड़े बिल्कुल तैयार होकर हमारे निकल गए हैं और देखने में काफ़ी मतलब गोल्डन गोल्डन कलर आ गया है अब उसी तेल में मैंने डाल दिया है मिर्ची तेज़पत्ता जीरा और ये जब तक हल्के हल्के लाल जैसे हो जाएंगे फिर इसमें डालूंगी मैं कटा हुआ प्याज आप चाहे तो डाल सकते हैं ना मन हो तो आप टमाटर से भी छोंक लगा के डाल सकते हैं तो मैंने प्याज काट लिया है प्याज लहसुन तो मैं उसी से छोंक लगा रही हूँ उसका उसका भी अलग टेस्ट आता है तो मम्मी ने अदरक और लहसुन पीस दिया है सिलबट्टे से और इसी में आप सारे मसाले मिक्स कर देंगी अपने हिसाब से क्योंकि अभी गांव का पिसा हुआ मसाला है मुझे नहीं पता कि मिर्च कितनी डालनी है तो सारा मम्मी निकाल के इस प्लेट में दे रही है मुझे और जो थोड़ा सा बेसन बच गया था तो मैं उसमें हल्का पानी मिला के और उसका तरी बनाऊंगी मतलब रस बनाऊंगी सब्ज़ी का तो प्याज वगैरह अच्छे से भून के टमाटर वगैरह इसमें काट के डालूंगी और हल्का सा इसका गोल्डन होने तक वेट कर रहे हैं अब जल्दी से इसमें डाल दिया हमने टमाटर टमाटर में हल्का सा डालेंगे नमक और थोड़ा सा पानी डाल के इसे गलने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये गलेंगे तब तक मतलब हल्का से चलाते पन्यों रहेंगे पन्यों और जितने बॉडी थे उसको हमने पानी में डाल दिया है ठंडे पानी में ताकि ये फूल जाए और इधर मैं भून रही हूँ मसाला अब इसमें जितना मसाला मम्मी ने दिया था मुझे वो सब इसमें डाल दिया जाएगा सारा मसाला डालने के बाद इसमें हल्का सा पानी डालेंगे टमाटर गलने के लिए और देखने में कितना अच्छा लग रहा है और चूल्हे का खाना तो वैसे ही स्वादिष्ट बनता है ऐसा मेरी सासू माँ बोलती हैं तो सारा मसाला अब इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से भून लेंगे और हल्का सा इसमें पानी डालूंगी मैं तो उसका कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है गांव के मसाले हैं स्वादिष्ट होते हैं और इसमें हल्का सा पानी डाल दिया है मैंने देखिए और अच्छे से, से गलने तक चलाएंगे हम तो साढ़े नौ बज रहे हैं खाना ऑलमोस्ट हमारा बस बनने ही वाला है बच्चे कर रहे हैं नाश्ता और मसाला बिल्कुल फ्राई हो चुका है मैंने मम्मी पापा को चाय बना के गैस पर दे दिया था और अब मम्मी डाल रही है बॉडी तो दे आ, मैं इसे अभी आपको दिखाऊंगी कितना स्पंजी बना है और मतलब बिल्कुल मोटे मोटे रसगुल्लों की तरह खाने में बहुत टेस्ट आता है इसका तो अब बस इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद फिर मैं नहाने जाऊंगी क्योंकि अब टाइम भी हो चुका है सारा काम ख़त्म करके तो डाल दिया है मैंने इसके अंदर नमक और धीमी आँच कर दी है मतलब थोड़ा जलावन कम डाला है चूल्हे में तो उसको कहते हैं धीमी आँच पहले तो मुझे यही नहीं पता था कि चूल्हे में थोड़ा कम और ज़्यादा कैसे करना होता है मतलब आँच लेकिन फिर अब धीरे धीरे पता चल गया इशू आया है कैप पहनने के लिए बाहर देखिए और अब आ गई खुशी तो अब हमारे पकोड़े बिल्कुल हो चुके हैं रेडी तो मैं दिखाती हूँ कितना स्पंजी है ये देखिए दबाऊंगी तो बिल्कुल ऐसे दब रहे हैं नहीं तो अगर ये अच्छे से नहीं फेटते तो ये बिल्कुल टाइट हो जाते और खाने में टेस्टी नहीं आता इसका टेस्ट नहीं लगता तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए तो सारी प्रिपरेशन कर ले रही हूँ और बाहर दस बजे तक तो ठंड रहती ही है गाँव में धूप तो निकल जाती है और मम्मी जी भी आ गई है नहा के अब लगाएंगे लड्डू गोपाल को भोग तो मम्मी नहा ली है अब मैं भी जा रही हूँ नहाने के लिए तो मम्मी के सर पे बिंदी नहीं थी तो बिंदी लगा दी है और अब मैंने नहा लिया है तो मैं भी पूजा कर लूंगी फटाफट हमारे घर के एक और सदस्य है ये हमारे लड्डू गोपाल सदस्य, सदस्य हैं सबसे छोटे सदस्य तो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे बिस्तर पर तो मैं बिस्तर झाड़ नहीं पाई थी तो अब जल्दी से बिस्तर झाड़ लूँगी और फिर दूसरी बार अब मेरे घर में झाड़ू लगेगी एक तो सबसे सब पहले सुबह मॉर्निंग में ही लग जाती है जब लड्डू गोपाल को, को जगाया जाता है ठाकुर जी को और अब मैं जल्दी से बिस्तर वगैरह झाड़ कर साफ कर लूँगी तो अब दूसरी बार भी झाड़ू लगा ही लूँगी क्योंकि बिस्तर वगैरह झाड़ा है और मम्मी भी गई हैं मंदिर तो जल्दी से झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ पूजा वगैरह हो गई थी तो मम्मी चली गई हैं मंदिर और मैं भी इधर सफाई कर ही ले रही हूँ सारा काम फिनिश हो ही गया है तो अब मंदिर से मम्मी आएंगी तब सबका खाना लगाऊंगी मैं और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो मैं इस व्लॉग की करती हूँ एंडिंग फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में इसी स्माइल और हंसी खुशी के साथ तो अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये व्लॉग आपको कैसा और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में बाय